तो काफी कम टाइम बचा है आपके बोर्ड्स के लिए, और कुछ अभी भी ऐसे बच्चे हैं जिनका जो नहीं कर पा रहे कंटिन्यूसली स्टडी। अब मजबूरी क्या है, मजबूरी यही है भाई, क्योंकि मूड नहीं कर रहा उनका। हाँ, मूड नहीं कर रहा, ठीक है, तो वो मूड नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, उनको पता पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ना बहुत जरूरी है, पर नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए है भाई कि ठीक है, वैसे सब सुन सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बात यहां स्टार्ट होती है कि अगर आप भी चाह रहे हो कि 3-4 साल के बाद मैं भी ऐसे कहीं बैठा हूं और अपने छोटे भाई बहनों से मैं भी कुछ अपनी स्टोरी बता रहा हूं, ताकि मैं उनको इंस्पायर कर सकूं उनके एग्जाम के लिए या उनकी लाइफ के लिए, कुछ भी भाई, अब देखो पढ़ाई लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब आता है यहाँ, ठीक है, एग्जाम में उनकी लाइफ में उनको इंस्पायर कर रहा हूं, अपनी स्टोरी सुना के, अगर आप भी चाहते हो आपकी वैसी कोई स्टोरी हो जो दूसरों को इंस्पायर कर सके, तो जाओ जाके काम करो, मेहनत करो, ठीक है, क्योंकि देखो अपनी स्टोरी, अपनी कहानी की आप खुद राइटर हो, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी अपनी स्टोरी, अपनी कहानी लिखोगे, ठीक है। तो और हाँ, स्टोरी लिखते वक्त बहुत मेहनत करनी है और बहुत सारा सैक्रिफाइस करना है, और मेहनत सैक्रिफाइस से भी ऊंचा क्या है, पेशेंस, इतना ही आपको धैर्य पेशेंस रखना है, ठीक है। तो इन चीजों से आपकी जो कहानी है, आपकी स्टोरी है, वो इतनी निखर के आएगी कि जब आप किसी को बताओगे इन द फ्यूचर, ठीक है, तो उनको भी मजा आएगा सुनते वक्त, और आपको सुनाते वक्त उनसे ज्यादा मजा आएगा, समझ रहे हो। तो हाँ भाई, गए जब तक स्टोरी लिखनी का, जल्दी जाओ और जाके अपनी बहुत खूबसूरत स्टोरी लिखो, और मैं भी चलता हूं अपनी स्टोरी, मैं तो स्टार्ट कर दिया पर मैं भी स्टोरी लिख रहा हूँ, बहुत खूबसूरत चैप्टर लिख रहा हूँ, कभी करेगा डिस्कस आपसे भी जब स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सी यू देन, टाटा, बाय बाय।